श्री कृष्ण की धर्म एवं कर्म भूमि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बिरला मंदिर, जयराम विद्यापीठ, दुखभंजन महादेव मंदिर, गोड़िया मठ, विभिन्न मंदिरों में मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंच रहे हैं व मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर भगवान को अपने हाथों से झूला झुलाया। ऐसे में विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन की ओर से भक्तों से सामाजिक दूरी का पालन करवाया गया। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी भक्तों के लिए विशेष प्रबंध किए गए। कई भक्त अपने बच्चों को श्री कृष्ण की पोशाक पहनाकर मंदिरों में लाए। कुरुक्षेत्र के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस्कॉन और श्री चैतन्य गौड़िया मठ में भी आज ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज कुरुक्षेत्र में मंदिरों को सजाया गया, भगवान को झूला झुलाया गया और मंदिरों को जगमग रोशनी और गुब्बारों से सजाया गया। इस दौरान सामाजिक दूरी का भी पूरा ख्याल रखा गया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो रहा है। अभी सने धीरे धीरे भक्त एक के बाद एक चले आ रहे हैं। अपार आनंद की खुशी लेकर के दिल में बड़ी बड़ी मन्नतें हैं प्रभु के चरणों में। हे प्रभु, सबको आनंद देना, सबको सुख देना, सबको परमानंद की प्राप्ति कराना। सभी भक्त बड़े आतुर हैं, हर्षोल्लास के साथ में दिव्य इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, अपने नैनों को सफल करने के लिए प्रभु के दर्शनों के लिए लालयित हुए चले आ रहे हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर ये बिरला मंदिर में भगवान का दिव्य विग्रह बहुत ही दिव्य तरीके से श्रृंगार आभूषण आदि भगवान को धारण कराए गए हैं। भगवान को इन सब को धारण कराने से पूर्व पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद आदि शर्करा से सुंदर अभिषेक हुआ। उसके उपरांत भगवान का श्री अंग की बहुत सुंदर मालिश की गई, इत्र फुलेल आदि लगा करके। उसके उपरांत मथुरा मंडल से वृंदावन ब्रज धाम से भगवान की सुंदर पोशाक, मुकुट, आभूषण आदि सुसज्जित करके मंगाए गए और भगवान को धारण कराए गए। भगवान का सुंदर दर्शन पा करके सभी भक्त बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और बहुत इंतजार था कि बहुत जल्दी हमारे आराध्य प्रभु का प्राकट्य दिवस जन्मोत्सव आए। हम खुशी और बड़ी हर्षोल्लास उम्मीद के साथ प्रभु के चरणों में चलेंगे, मन्नत मांगेंगे, सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे। ये देश महामारी से निकल रहा है, धीरे 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 सब भक्तों के हृदय में एक ही बात है कि प्रभु ये आपदा जो आई है ये आपदा आप ही दूर कर सकते हैं। और प्रभु के चरणों में मंगल कामना कर रहे हैं कि प्रभु इस आपदा से हम पिछले वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर बड़े ही दूर रहे, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ नहीं कर पाए, इसलिए और ज़्यादा उनके मन में खुशी है कि अब की बार बहुत धूमधाम से भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। इस खुशी को लेकर के सब लोग बड़े धूमधाम से चले आ रहे हैं। पिछले साल हम वंचित रहे, हमने दर्शन नहीं किए कोरोना की वजह से। इस साल बहुत प्रसन्नता हो रही है ठाकुर जी के दर्शन करके, हमें बहुत उत्साह महसूस हो रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आए हैं यहाँ पे कृष्ण जी के दर्शन करने। आज कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। यहाँ पे बहुत सारी तैयारियाँ की हुई है, मंदिर सजा हुआ है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम बिरला मंदिर में दर्शन करने आए हैं और यहाँ की झांकियाँ बहुत अच्छी होती है और ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत अच्छा होता है। और अभी पिछले साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। खाना पुन्नी लेके आए हैं और अद्धा घर में सुख शांति के लिए जन्माष्टमी पे। बहुत अच्छा रहा, बहुत मन खुश हो गया दर्शन करके और खाना को लेके, बहुत आत्मा बिल्कुल खुश हो गई।